सर्कमसाइज्ड और अनसर्कमसाइज्ड क्या ज़्यादा प्लेजरेबल होता है औरत के लिए? मेल पार्टनर को कौन सा हिस्सा ज़्यादा प्लेजर देता है? आज हम इसी पे बात करेंगे। यूजुअली मेल प्राइवेट पार्ट की जो ऊपर की फोरस्किन होती है वो किसी की रिमूव होती है और किसी की रिमूव नहीं होती। जिसकी रिमूव होती है वो कुछ धर्म जाति के वजह से वो लोग रिमूव करवाते हैं, उनमें ये चलन है कि बचपन में ही वो रिमूव कर दी जाती है। कुछ लोग कुछ मेडिकल टर्म्स की वजह से बचपन में ही या बड़े होने के बाद रिमूव करवा लेते हैं। ये मेडिकल टर्म्स जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, फोरस्किन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, चिपकी होती है, जो पीछे की तरफ नहीं जाती, जिसको फाइमोसिस कहा जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स में अक्सर एडल्ट एज में भी जो लड़के होते हैं वो सर्जरी करके फोरस्किन को निकलवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी फोरस्किन रिमूव भी नहीं होती। किसी किसी पुरुषों में ये ख्याल आ ही सकता है जो सर्कमसाइज्ड है कि अनसर्कमसाइज्ड ज़्यादा प्लेजरेबल है, और जिनकी अनसर्कमसाइज्ड है वो सोच ही सकते हैं क्या सर्कमसीजन करवा लेना चाहिए, वो ज़्यादा प्लेजरेबल होता है। तो इस वीडियो में हम उसी पे थोड़ा सा बात कर ले। अगर हम स्टिक टू द पॉइंट पे आए, यानी कि जो हमारा मुद्दा है उस पे आए, तो फीमेल प्लेजर जो है वो सर्कमसीजन या विदाउट सर्कमसीजन पे डिपेंड करती ही नहीं। स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, फीमेल्स के लिए चाहे कोई लड़का सर्कमसाइज्ड हो चाहे अनसर्कमसाइज्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स, मूवमेंट्स और फ्रिक्शन से फर्क पड़ता है, और वो चाहे सर्कमसाइज्ड हो या अनसर्कमसाइज्ड हो, फ्रिक्शन दोनों से पैदा हो सकता है। मूवमेंट तो उस बंदे पे डिपेंड करता है, और रही बात टेक्निक्स की, वो तो एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। बट एज पर डॉक्टर्स, सर्कमसीजन करवाने के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, एज लाइक कि उनको जो डर्ट्स वगैरह होते हैं, जो स्मिग्मा वगैरह होता है, वो बनने के चांसेस कम होते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी उनमें कम पाई जाती है। जिनकी सर्कमसीजन होती है उनमें ये कम पाई जाती है। बट मैं कभी नहीं बोलूँगी कि सर्कमसीजन करवा लेनी ही चाहिए, तभी आप इन्फेक्शन से बच सकते हो, तभी आपका हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी। अगर आप हाइजीन का ठीक से ध्यान देते हो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, हाइपर सेंसिटिविटी सिर्फ फोरस्किन में इन्फेक्शन की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से नहीं होती, नर्व्स की वजह से भी होती है, दूसरे और भी रीज़न है उसकी वजह से भी होती है। तो डॉक्टर्स का ये मानना है कि जिनकी सर्कमसीजन हुई होती है उनमें ये परसेंटेज थोड़े से कम होते हैं कि उनको इन्फेक्शन होता है और उनकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, फाइमोसिस की प्रॉब्लम है, फोरस्किन बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, वो रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते, उस दौरान उन्हें काफ़ी पेन होता है क्योंकि जो स्किन है वो पीछे की तरफ नहीं जाती और वो इन आउट प्रोसेस को बिल्कुल कम्प्लीट ही नहीं कर पाते। इसमें डॉक्टर्स एज पर कंडीशंस सर्जरी करते हैं। अदरवाइज बाई बॉर्न ही सब पुरुषों का फोरस्किन जो है वो टाइट ही होता है। जब वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो नेचुरली वो डिटैच होने लगता है प्राइवेट पार्ट से, और जब वो एडल्ट एज तक पहुंच जाते हैं, ये कुछ मसाज पे डिपेंड करता है। यस, मैं बता रही हूँ, पहले के ज़माने में दाइमास जो होती थी ना, वो एक मसाज के थ्रू फोरस्किन को धीरे 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 एज के बाद लूज करवाती थी। जब लड़के बड़े हो जाते हैं एक एडल्ट एज में, है ना, जो कि अब टीनेज एज में, वो हैंड प्रैक्टिस करते करते उनकी फोर्स की नॉर्मल हो भी जाती है। बट जिनको दिक्कतें होती, जिनको फाइमोसिस होती है, उस केस में ही सिर्फ फोरस्किन टाइट ही टाइट रह जाता है, और इस केस में ये कभी भी इंटिमेसी के दौरान उस लड़के को प्लेजर नहीं दे पाता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इन्ग्रीडियंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मुसली, सफेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो इसके साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बट अदरवाइज अगर मैं कंपेयर करूँ सर्कमसाइज्ड प्राइवेट पार्ट और अनसर्कमसाइज्ड प्राइवेट पार्ट की, तो यहाँ पे कोई भी इंटीमेसी के मामले में, फीमेल्स के प्लेजर के मामले में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हेल्थ इशू की प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू की बात है और उसके रिगार्डिंग हाइजीन की बात होती है। जिनको मेडिकल नीड होती है वो सर्कमसेशन करवा लेते हैं, या फिर रिलीजन कास्ट की वजह से भी कुछ लोग सर्कमसेशन करवा लेते हैं। बट फीमेल्स के प्लेजर के केस में सिर्फ मर्द का मर्दाना ताकत, उसके वे ऑफ टेक्निक्स और उसका प्यार ही उसको प्लेजर दे सकता है। अगर वीडियो से आप सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड डो सब्सक्राइब। थैंक यू।